चलो, तो कल जो हमने पढ़ा कि गैंगटॉक शहर का अद्भुत सौंदर्य, दूसरा है इम्फाल का प्राकृतिक सौंदर्य, जनजीवन और धार्मिक आस्थाएं, तीसरा पॉइंट था हिमालय दर्शन, लेखिका जो हिमालय दर्शन करने के लिए गई थी, नेक्स्ट चौथा पॉइंट था मातृत्व और श्रम साधन शास्त्र, वह बच्चों को जो पीठ पर लेकर के मतलब श्रम भी कर रहे थे और मातृत्व भावना जो उनकी है वह अपने बच्चों को भी इधर उधर नहीं कर रही थी, अपने साथ साथ लेकर के ही परिश्रम कर रही थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है पहाड़ी बच्चों का कठिन जीवन, पहाड़ी बच्चों का कठिन जीवन। तो पहाड़ की ऊंचाइयों पर चढ़ते समय लेखिका ने देखा कि 7-8 साल के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे हैं। भाई पहाड़ पे ही उनका घर है तो वहां पे ही उनका सब सारी व्यवस्था उनकी वहीं पे है, तो वहाँ 7-8 साल के बहुत ढेर सारे यानी ज्यादा बच्चे वहां पे स्कूल से लौट रहे थे और उनसे लिफ्ट मांग रहे। कि जितेन ने उनके कठिन जीवन की दिनचर्या से लेखिका को परिचित कराया। वे बच्चे पढ़ाई के अतिरिक्त मवेशी चराने, लकड़ियां ढोने का काम भी करते। उनके माँ बाप जब गरीबी में पल रहे हैं तो कुछ मेहनत बच्चे भी कर रहे थे जो उनके योग्य है, जैसे खाना बनाने के लिए लकड़ियां चुन लेते थे और भी कुछ इधर उधर के जो हल्के फुल्के काम है वो भी करते थे। तो उनका जो जीवन था बहुत कठिन था, एक तरफ पढ़ाई लिखाई करना और उधर उधर से परिवार का भी हेल्प करना। तो पहाड़ी बच्चों का जीवन जो है देखकर के समझ में आया कि भाई कठिन परिश्रम है ना, कि परिश्रम करके पढ़ाई करना, कितने भी आप लोग स्टोरी पढ़ते हो IAS वगैरह की जो तैयारी करते हैं, अपने जेब उनका आ जाता है, इंटरव्यू होता है तो उसमें अपनी स्टोरी सुनाते हैं ना, सुना है, लेकिन वही है कि जो संघर्ष करता है परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। इतनी कहानियां सुनते हो TV मोबाइल सब जगह आप देख रहे हो तो उससे क्या सीख मिलती है आप कि बिना परिश्रम के इस संसार में कुछ नहीं होने वाला है, यानी परिश्रम ही मस्त है, परिश्रम करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमको भी इन सब स्टोरी देखने से कहानी सुनने से जो कि हमको सीख लेना चाहिए कि हम भी परिश्रम करें। ऐसा नहीं है, कहा गया है ना कि विद्यार्थियों के 5 लक्षण आपको बताए थे, आपकी क्लास में चर्चा हुई थी या नहीं हुई थी, विद्यार्थियों के 5 लक्षण जो हैं, आप विद्यार्थी जीवन में चल रहे हो तो विद्यार्थी से ही तो फिर प्रौढ़ावस्था में आओगे। अभी तो आपका बाल्यावस्था किशोरावस्था चल रहा है, फिर प्रौढ़ावस्था में आओगे, फिर वृद्धावस्था में आओगे, तो उधर से आपको जो है कि विद्यार्थी जीवन में रह के हमको क्या क्या लक्षण होना चाहिए तो फिर लगे कि हमको कि हाँ आप विद्यार्थी। चेष्टा वको ध्यान स्वान निद्रा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी ना एते पंच लक्षण, सुना है या नहीं स्टोरी दीक्षा जिंदल निहारिका सिखा बेटा? ये सब बातें बताई जाती है, आपके क्लास में पुराने हो आपको तो ये सब बातें बताई जाती है, विद्यार्थियों के लक्षण क्या हैं और किस प्रकार से तो संघर्ष ही करना है। विद्यार्थियों का जीवन मतलब वही है अल्पहारी गृह त्यागी, गृह त्यागी का मतलब ये नहीं है कि घर छोड़ के भगना है आपको, घर में रहते हुए भी सारी सुविधाओं को इग्नोर करके आपके रिलेटेड आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, बातचीत मम्मी की चल रही है, पड़ोसन आ रही है, तो आपको वहां से हट करके अपना काम करना है, उनसे कोई मतलब नहीं है आपको, आप जाके अपनी पढ़ाई लिखाई कर, ये नहीं है कि जन्नत के गद्दे पे। हाँ बेटा बोलो मैम, बच्चों कर लो। कौन है अभी आए थे बेटा? पार्टिसिपेटेड फोटो दिखा रहे हैं, यहाँ तो एडमिट ऑल कर दिया है सबको। हाँ जी आ गए? ओके मैम। आ गए आए नहीं मैम, उनका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा होगा। हाँ कविता मलिक है? यस मैम। हाँ तो नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, यहाँ से मैं ऑल कर देती हूँ ताकि एक बार में ही हो जाए, मुझे बार बार इधर ना करना पड़े। ओके मैम। उनका वहीं पे प्रॉब्लम चल रहा है। तो इस तरह से हमको परिश्रम करना है और आगे बढ़ना है। हाँ मैं कहाँ पहुंची थी कि परिश्रम के विषय बता रही थी गृह त्यागी वाला, कि आपको जैसे डल्लभ के गद्दे पर बैठ गए और आराम से लेट करके सोचो TV देख रहे हैं और हम पढ़ाई भी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता,
विद्यार्थियों के लिए एक कोई रूल नहीं है, पढ़ने का एक कोई रूल नहीं है। पढ़ने के लिए हमेशा हमेशा हमको बैठ के ही अध्ययन करना चाहिए, टेबल चेयर पे ही बैठ के, मतलब हमको पढ़ाई करना है। दल्लत के गद्दे पे बैठ के रजाई में घुसते सोचो, ठंड भी लग रही है, रजाई ओढ़े रहे, तो स्वाभाविक है कि आपको नींद आनी ही आनी। और जब आप बैठ के पढ़ोगे तो कुछ मौसम का असर है, कुछ ठंड लगेगी तो आपकी आपको नींद नहीं लगेगी। तो हमको आगे बढ़ना है, बोर्ड परीक्षा में नंबर लाना है, तो कुछ परिश्रम जरूर कर, बिना परिश्रम के कुछ नहीं होता। जिस प्रकार से यहाँ पे पहाड़ी बच्चों के जीवन के विषय में बताया, खतरनाक रास्ते, पहाड़ जैसा कि नाम से ही पता है, पहाड़ी है, ऊंची चढ़ाई है, किले हैं, सब कुछ है, तो वहां पे आना जाना हमारी तरह इस सिंपल रोड नहीं है कि हम सरपट दौड़ के चले जाए। तो वहां आने जाने जो है रास्ते जो है खतरनाक है, खतरनाक रास्ते, आगे पढ़ने पर अब खतरनाक रास्ते थे। इंच भर जीप इधर उधर खिसकी तो सीधा घाटियों में, बताया कि आपको घाटियों पे ऊंची पहाड़ियां हैं, कल यही बातें हुई थी आपकी। तो वहां पे रास्ते जो है बहुत कचपिच के इधर उधर से मतलब निकालते थे, बहुत राउंड राउंड में रास्ते होते हैं पहाड़ियों पे, तो थोड़ा भी अगर ड्राइवर ढीला है और इधर उधर ब्रेक मतलब नहीं लगा और इधर उधर गाड़ी घूरी तो खाई बहुत ज्यादा है भाई, ऊंचाई से हम चढ़ रहे हैं तो नीचे खाई ही है हमारे, तो खाई में गिर जाएगी बस। इसलिए वहां पे रास्ते जो है बहुत खतरनाक थे। रास्ते भर जगह जगह लिखी चेतावनियां उन्हें खतरों के प्रति सचेत कर रही थी। किसको किसको सचेत कर रही थी? लेखिका को, वहां के यात्रियों को, वहां के यात्रियों को। इस समय जो वर्णन है वहां पे लेखिका है ना, हाँ, तो वहां के आने जाने वाले यात्रियों के लिए ही वह इंस्ट्रक्शन उनको दिया गया था कि इस रास्ते से न जाएं, इधर को न मुड़े, जैसा कि हम लोग भी टूर पे जाते हैं देखे हुए। आगे बढ़ते हैं, चाय बागानों में युवतियों के सौंदर्य से प्रभावित होना। चाय बागान का वर्णन यहाँ पे लिख सकती है कि चाय बागानों में काम करती स्त्रियां बोकू पहने थी। बोकू जो मुस्लिम उसमें पहनते हैं ना, बोरके बोलते हैं, तो जो पत्तियां वगैरह जैसे साड़ी वगैरह ऐसे पहने हैं सिंपल, तो क्या होगा कहीं से कुछ लग जाए तो खराब हो जाती है। उसके लिए एक ड्रेस उनका जैसे आता है, जैसे किचन में भी हम खाना बनाते हैं तो एक आगे का हमारा तीन आता है, तो उस तरह से उनका भी वो ड्रेस था जिसे पहन करके वह बागानों में जाती बोके पहनती थी। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि चार बागों में स्त्रियां क्या पहन के जाती थी, वहां की स्त्रियां चाय बागान में जाती थी तो उनका कौन सा ड्रेस होता था, तो क्या है बोकू, कौन सा ड्रेस है बोकू पहने थी। नदी से नदी के उफान सा उनका यौवन अवसर में दमकता गुलाबी चेहरा लेखिका को अच्छा लग रहा था। कहते हैं ना, कोई भी काम अगर हम खुशी खुशी करते हैं तो वह काम जल्दी भी हो जाता है और आसान भी हो जाता है। उसी प्रकार से वहां के जो कर्मठी लोग थे जो बागान में थे वो क्या कर रहे थे, बिल्कुल हंसमुख चेहरा उनका था। तो नदी के उफान सा उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा लेखिका को अच्छा लग रहा था। चटक लाल रंग का बोकू पहने एक युवती के सौंदर्य से लेखिका इतनी प्रभावित हुई कि चीख ही पड़ी। भाई परिश्रम करने वाले वालों के चेहरे पे देखो हमेशा झाइयां सी पड़ी रहती हैं, बेचारे श्रम परिश्रम से परेशान हो जाते हैं, मेहनत करके थक जाते हैं, लेकिन वहां पे जो बागवानियां औरतियां थी वह जो है बिल्कुल सही थी, मतलब उनको परिश्रम का कोई वो नहीं था और वो हसमुख थी। लायुंग में पहाड़ युमथांग पहुंचने के लिए लेखिका को लायुंग में पहाड़ लेना पड़ा। लायुंग में पहाड़ में युमथांग पहुंचने के लिए वहां पहाड़ी रास्ते से होकर उनको गुजरना पड़ा। यह नन्ही सी शांत बस्ती है। लेखिका वहां तिस्ता नदी के किनारे बने लकड़ी के छोटे से घर में ठहरी। वहां हमारी तरफ महल नहीं बने होते हैं क्योंकि पहाड़ी एरिया है, आधी तूफान आते रहते हैं, तो इस ऊंचाई पे है, तो इस वजह से वह घास फूस ईट वगैरह लकड़ी के इस तरह से सिंपल महल रूम बना करके रहते हैं। तो युमथांग पहुंचने के लिए लेखिका को लायुंग में पहाड़ लेना पड़ा। यह नन्ही सी शांत बस्ती है। लेखिका वहां तिस्ता नदी के किनारे बनी लकड़ी से आते भी पूछा जाता था, लेखिका जो घूमने के लिए गई युमथांग में कौन सी नदी थी, तो तिस्ता नदी, लकड़ी से बने छोटे से घर में ठहरी थी। तिस्ता नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद लेते हुए लेखिका की आंखें भर आईं, क्योंकि ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे उसके भीतर उगने लगा।
कि वही सुख शांति और सुकून है जहाँ पेड़ पौधे पशु और पक्षी आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में, किसी से कोई मतलब नहीं है, सब अपने अपने काम में बिजी है। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। जब हम खाली रहेंगे, कोई हमारे पास काम नहीं होगा, तो क्या होता है, हम फालतू इधर उधर की बातें करते। तो वहां पे लोग परिश्रमी हैं और अपने परिश्रम में लोग लगे हुए हैं और एक दूसरे से कोई खास मतलब वो नहीं है, सब अपने अपने में मस्त है। और वहां पे हरियाली भी है, पेड़ पौधे इत्यादि सब देखने को मिल रहे हैं। शहरों में चले जाओ तो क्या है, हर जगह पेड़ों की कटाई कर करके वहां पे मकान बनाए जा रहे हैं। मकान बन जाएगा, वहां पे किराएदार आएंगे, रहेंगे तो पैसे बनेगा। तो दुनिया जो है पैसे के पीछे भाग रही है, लेकिन प्रकृति का हमारे लिए कितना मतलब आवश्यक चीजें हैं, वो इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, जिससे आजकल बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। तो क्योंकि नन्हा सा बोधिसत्व जैसे उसके शरीर उसके भीतर उगने लगा कि वही सुख शांति और सुकून जहाँ पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपने लय ताल और गति में है, सब अपने रफ्तार से अपनी दिनचर्या उनकी हो गई है और अपने रफ्तार से सभी चल रहे, एक दूसरे से कोई वो नहीं है। हमारी पीढ़ी ने इस लय गति और ताल के साथ खिलवाड़ किया है। तिस्ता नदी का जल अंजन में भरा तो इसमें ने कहा कि जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाए। हमारी भारतीय संस्कृति है, जब हम पूजा पाठ करते हैं तो पंडित जी जो बैठाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हमारे हाथों में वह जल देते हैं, फूल देते हैं और हमको संकल्प बुलवाते हैं। संस्कृत वर्ड भी बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं कि हमने ये पूजा जैसे नवरात्रि का ही किया कि देवी की स्थापना किया और देवी के 9 दिन का व्रत का अनुष्ठान किया है और उसे मैं साहस पूरा करूंगी इस तरह से मतलब। तो तिस्ता नदी के किनारे यहाँ पे लेखिका बैठी हुई है और वह जब हाथों को जल को हाथों में लिया तो उनके मन में यह भावना अपनी संस्कृति के अनुसार उत्पन्न हो गया कि हम हमारी पीढ़ी ने क्या करें कि हमारी पीढ़ी ने इस लय गति और ताल के साथ खिलवाड़ किया है। जैसे आज के लोग गांव में रहना नहीं पसंद करते, शहरों की तरफ लोग भाग रहे और शहरों के आबादी क्या है, पेड़ पौधों को काट करके सारे मकान बनाए जा रहे हैं, फैक्ट्री खोली जा रही है, कंपनी खोली जा रही है, इससे क्या है, यहाँ का वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है। तो हमारी पीढ़ी ने इसके साथ मतलब खिलवाड़ किया है। तिस्ता नदी का जल अंजलि में भरा, अंजलि मतलब इसमें चुल्लू में अपने लिया तो इसमें में कौन था, ये लेखिया के याद में आ गया कि जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है, किंतु वह संकल्प की स्थिति में नहीं थी। अतः कमजोर व्यक्ति प्रार्थना की कि भीतर का सारा हलाहल वह बहती जलधार। उन्हें सोचा संकल्प मैं कर लूं, मैं खुद एक अकेले तो कर लूंगी, लेकिन मैं सबको तो पूरा परिवर्तन नहीं कर सकती। इस वजह से उन्होंने उनके दिमाग में आया तो, लेकिन किंतु वह संकल्प की स्थिति में नहीं थी। अतः कमजोर व्यक्ति प्रार्थना की थी कि भीतर का सारा हलाहल बह जाए वह बहती जलधार। यानी अपने अंदर की बुराइयों को उन्होंने सोचा कि यह इस जलधारा में समाप्त हो जाए, यानी हम अपने अंदर से इस भावना को निकाल दें। रात गहराते ही हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया। रात गहराते ही शाम होते ही क्या होता, अंधेरी रात थी और पहाड़ी एरिया थी, वहां पे लाइट वगैरह कितनी व्यवस्था तो थी नहीं, तो यह कह रहे हैं कि वहां पे हिमालय जैसे लगा कि काला कंबल ओढ़ लिया। जितेन ने अपने संगी साथियों के साथ नाचने गाने का कार्यक्रम किया। भाई हम लोग भी टूर पे जाते हैं तो आपस में क्या है, मिलजुल के अपना मनोरंजन करते हैं, तो इस तरह से उसमें भी लोग थे, कुछ गीत गाने का प्रोग्राम भी हुआ। लेखिका की सहेली मणि ने भी जोरदार नृत्य प्रस्तुत किया। लायुंग ने सुबह लेखिका वर्ष देखने की इच्छा से टहलने निकल गई, किंतु एक सिक्किम नवयुवक ने बताया कि प्रदूषण के चलते यहाँ स्नोफॉल लगातार कम होता जा रहा है। स्नोफॉल मतलब बर्फ, जो कि मतलब वहां पे अधिक मात्रा में बर्फ जो है जमा हुआ दिखाई देता था, लेकिन प्रदूषण के कारण अब वो उसमें कमी आ गई है। यदि वह कटाओ जाए तो बर्फ मिलेगा। कटाओ कोई स्थान है जहाँ पे कह रहे हैं कि अगर वहां पे जाएंगे वहां पे बर्फ का शिला जो है
देखने को मिले। खटाव अभी टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था, जैसे कि वैष्णो देवी और वो हर जगह का स्थान जो फेमस हो जाता है, इस तरह से कटाव जो है वह टूरिस्ट वाले एरिया में नहीं था, इसलिए उसका नाम बहुत कम लोग जानते थे। अतः अपने प्राकृतिक स्वरूप में भी था, वह लायुन से 500 मीटर ऊंचाई पर था। अगर आपसे पूछा जाए कि यह जो है कटाव स्थान कहाँ पे था, वह लायुन से 500 फीट ऊंचाई पर था। ठीक, अब आगे कटाव की यात्रा। मैम लायुन क्या था? कटायो एक स्थान का नाम है बेटा, कटायो एक स्थान का नाम है जो कि अभी टूरिस्ट के लिए फेमस के लिए, जैसे हम लायुंग वहीं पे तो गई थी लेकिन इसके अंतर्गत ही आता है जो कोकलर मतलब है ना आपका गैंगटॉक शहर, उसके अंदर ही, जैसे हम वैष्णो देवी जाते हैं तो जम्मू कश्मीर और रास्ते में जो जो पड़ता है उसे हम देखते हुए आते हैं ना, उसी प्रकार से लेक्का गैंगटॉक शहर का अद्भुत सौंदर्य देखने के लिए गए थे, उसके इर्द गिर्द जो एरिया थी वहां पे भी वह घूम रही थी। ओके मैम। हाँ, तो हिमालय दर्शन किया उन्होंने और इस तरह से लायुंग में उन्होंने पड़ाव डाला। लायुंग की यहाँ पे स्टोरी आपको, वहां के साहित्य की वहां की हिस्ट्री आपको यहाँ पे बता देंगे। तो अब उसके बाद लायुंग से वह कटाव की ओर बढ़ती है। कटाव लायुंग से कितना पड़ता है? 500 फीट की ऊंचाई पर था। ठीक, आ रही बात समझ में? हाँ दीक्षा बोल रही थी। सिद्धि बोला, किसने कौन बोल रही थी? चलो कटाव की यात्रा। यस मैम, सिद्धि। अच्छा अच्छा, कटाव का रास्ता खतरनाक तथा धुंध और बारिश से भरा पड़ा, मतलब वह रास्ता जो है और ऊंचाई पे था, जहाँ पे लेक कर गई है उससे भी 500 मीटर ऊंच था, फीट मीटर नहीं फीट ऊंचाई पर थी। तो कटाव का रास्ता खतरनाक था, धुंध और बारिश से भरा। जितनी हम ऊंचाई पे जाते हैं उतने ही बादलों का मतलब वो होता है, मतलब ऊंचाई पे बढ़ते जाते हैं। जैसे वहां पे अभी आपसे बताया थे ना कल की दक्षिण भारत हम गए थे तो वहां पे बालाजी का मंदिर था, ऊपर बहुत पहाड़ी पे था, वहां जाने पे ऐसे महसूस होता था कि बादल आके स्वयं अपने शरीर से चिपक जा रहा और हम थोड़ा सा भीगे भीगे से हो जाते थे, फिर थोड़ी देर में उजाला सा हो जाता था। तो कुछ पहाड़ी मतलब उस पे मौसम अलग होता है। तो वहां जो है धुंध और बारिश से भरा पड़ा था, पेड़ आकाश घाटियां सभी पर बादल की परत थी, अब ज्यादा ऊंचाई पे था इसलिए वह बादल की परत उस पे दिखाई दे रही थी। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी, धुंध मतलब जैसे वो ठंडी के मौसम में दिसंबर जनवरी में जो कुहासा सा पड़ता है वैसे ही धुंध वहां पे देखने को मिल रहा था। नारगे ने उत्साहित होकर बताया कि कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है, जो स्विट्जरलैंड घूमने के लिए लोग जाते हैं तो सेम वैसे ही मौसम यहाँ पर है। तो नारगे ने बताया, उत्साहित होकर बताया कि कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मणि स्विट्जरलैंड घूम आए थे, उसने प्रतिवाद किया। जो घूमे जा रहे हैं जहाँ पे उस एरिया के विषय में बात होती है तो लोग अपना राय दे देते हैं, तो उस तरह से वह प्रतिवाद किया और बातें नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर है, मतलब कटाव स्विट्जरलैंड से भी सुंदर स्थान है। कटाव के करीब आकर बर्फ से ढके पहाड़ दिखे, कटाव के में आकर करीब आकर बर्फ से ढके पहाड़ दिखे, बिल्कुल व्हाइट व्हाइट पहाड़ दिख रहा था। पहाड़ तो काला होता है लेकिन बर्फ से ढका हुआ है तो कल्पना करो बर्फ कैसा होता है, व्हाइट होता है, तो वहां पे बर्फ जो है बिल्कुल ढका हुआ दिख रहा था। साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ थी, सभी सैलानी जीप से उतर कर बर्फ पर कूदने लगे। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे, लेक्का के पांव छन छन करने लगे। बर्फ ठंडा होता है ना तो कोई भी उससे पैर रखेगा तो ठंडा तो लगेगा, तो इस तरह से लेक्का जो महसूस की उसको बता रही है कि उसके पैर में जैसे छन छन करने लगे। तो मन वृंदावन हो उठा, तो वो जो छन छन की हो रही थी बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी तो लेक्का को अच्छा लग रहा था, तो वृंदावन हो उठा। ख्वाहिश हुई कि बर्फ पर लेट कर उस बर्फीली जन्नत को मन भर के देखूं,
किंतु बर्फ पर पहनने वाले लंबे जूते नहीं। बर्फ पे चलने के लिए जूते भी अलग होते हैं, आप सबको पता है, और उसके पहनने के लिए कपड़े भी वहां के लिए अलग होते हैं। तो ये लोग जो है वहां के लिए तैयारी में नहीं गए हुए थे, इसलिए कह रहे हैं कि वहां पर पहनने के लिए जो जूते लंबे वाले होते हैं वो उनके पास नहीं थे। चाहा कि किराए पर ले लिया जाए, किंतु यह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। जैसे टूरिस्ट के लिए हम जाते हैं तो जो चीज भूल गए घर से तो वहां पे हम खरीद लेते हैं, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ मार्केट वगैरह नहीं, क्योंकि वह टूरिस्ट जो स्थल नहीं था। तो चाहे कि किराए पर ले लिया जाए, किंतु यह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यहाँ एक भी दुकान नहीं थी। लेख का कोई हिम शिखर आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। हिम शिखर की बात यानी बहुत ऊंचाई पे थी, तो हिम से ढका हुआ था, बर्फ से ढका हुआ था, इसलिए लेखिया को वहां पे हिम शिखर आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। उसे लगा ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच में हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। तो लेखिका की सोच है, लेखिका की कल्पना है। सर्वे भवंतु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। क्या वहां पे जाने के बाद लेखिका को बहुत अच्छा लगा, उसके यही है ना भाव उसका, सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतु निरामय। आप डेली पढ़ते हो, अपने स्कूल में भी पढ़ते हो, तो उनका कहना है कि ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना यहीं पर शांत भाव से बैठ करके इतने अच्छे मौसम में यहाँ पे बैठ के किया होगा कि सर्वे भवंतु सुखिनः, कि यहाँ पे जो बैठ करके हम सुखी हैं उसी प्रकार से सभी सुखी हैं का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक व सौंदर्य, ऐसा ही बड़ा से बड़ा अपराधी भी उसे देखकर क्षण भर के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। लेखिका को ऐसे में मिल्टन की कविता याद आ गई। अपनी सहेली मड़ी से उसके बारे में पूछे तो उसने पाया कि वह तो किसी दूसरे ही सवाल में उलझी थी। भाई सब घूमने गए हैं, सभी अपने अपने मानसिकता के अनुसार अपने अपने अकॉर्डिंग सभी सोच रहे हैं। लेखिका इधर सोच रही है, मड़ी की सोच अलग है कुछ। वह दार्शनिक अंदाज में कहती है कि प्रकृति नायाब ढंग से सभी इंतजाम करती, प्रकृति भी जो अपने हिसाब से हो सकता है उस हिसाब से सबकी तैयारी करती है, इंतजाम करती है। सर्दियों में वर्ष के रूप में जल संग्रहित करती है। अब आगे किस प्रकार से प्रकृति का वो दिखा रहा है, इस प्रकार से अपनी सहेली मणि से उसके बारे में पूछने पर उसने पाया कि वह तो किसी दूसरे ही सवाल में उलझी हुई है। वह दार्शनिक अंदाज में कहती है कि प्रकृति भी नायाब ढंग से सभी इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रहित कर, सर्दी का मौसम है तो ठंडे में बर्फ जमा हुआ है तो एकत्रित करती है, और गर्मियों में ये शिलाएं पिघल कर जलधारा बन हमारे सूखे होठों को तृप्त करती है। जो झरने से पानी झरते रहते हैं, बहते रहते हैं, तो वो बर्फ ही तो पिघलता है वहां पे, जो गर्मियों में हमको इस तरह से तृप्त करता है। मणि का कहना था कि इन नदियों और इन शिखरों का हम पर बहुत रोष है, भैया जल नहीं होता तो जीवन नहीं होता। वो कह रही है कि जल का इन जो बर्फ जो संग्रहित करके रखा है इनका बहुत बड़ा ऋण हमारे पे है। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ लेखिका का सफर आगे बढ़ा। उन्हें ध्यान आया यहाँ चीन की सीमा है, यहाँ चीन की सीमा है। लेखिका ने देखा कि कड़कड़ाती ठंड में ये जवान सीमा पर डटे रहते, भाई बॉर्डर है वहां पे, उसका प्रभाव तो वहां पे रहेगा ही हिम शिखर का, ताकि हम लोग चैन की नींद हो सके। लेखिका के लिए यह यात्रा एक खोज यात्रा थी, भाई इतना कुछ जानकारी हमको दिया, यह क्या था, यह लेखिका जो गई और इस चीज को लिखा उन्होंने साहित्य में, तो पढ़ करके भी हम कुछ उससे सीख पा रहे हैं ना कि उस जगह से ये चीजें है जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं। तो लेखिका जो है एक खोज यात्रा थी, देखा कि पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला। वह ऐसा नहीं है कि आंखें मूंद कर सो गई थी, टूर पे गई थी, तो वह प्रकृति को देखते हुए पहाड़ी एरिया पे जहां पे पहुंची उसे देखते हुए वह जो है उस चीज को अपने मेमोरी में लाती रही और उस चीज को यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है उसी चीज का। अब वापस आ रही है युमथांग की ओर, यानी लाइन से पहाड़। अब युमथांग के विषय में अभी आगे पढ़ा था आप लोगों ने, तो अब युमथांग की ओर। युमथांग की घाटियों में अब एक नया आकर्षण जुड़ गया था।
जितेन ने बताया कि 15 दिनों में ही पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की स्टेज रखी। यानी वहां पे जो जितेन थे, जो इनके गाइड थे, वह उनको इस यहाँ के स्टोरी के विषय में, साहित्य के विषय में बताते जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि उमथांग की घाटियों में अब एक नया आकर्षण जुड़ गया है। जितेन ने बताया कि 15 दिनों में ही पूरी घाटी फूलों से इस कदर लग जाएगी कि मानो फूलों का सेज रखी हो। घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौनी दिखाती जीप अब जब युमथांग पहुंची तो थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि बर्फ से ढके कटावों के हिमशिखर देखने पर युमथांग थोड़ा फीका लगा। मतलब वह कटाव जो है जहाँ पे लोग टूर पे गए थे, वह एरिया इनको ज्यादा पसंद आया। और हाईवे जिस हिसाब से इन्होंने वर्णन किया है, तो लग रहा है ना अपना भी मनोरा काश हम भी चले जाते। हो रहा है या नहीं ऐसा? हो रहा है किसी के मन में ऐसा? Yes, मेरे मन में तो हो रहा है कि भाई अगर टूर का मिल जाए जगह तो भाई 2-4 हजार कितना पैसा दे दे और चले जाए टूर पे घूमन। तो इस तरह से जो है कि यात्रा का वर्णन लेखिका ने बहुत ही अच्छे ढंग से किया है यहाँ पे। तो युमथांग की ओर जब वो वापस आती हैं तो यह एरिया जो है उनको फीकी लग रही थी उसके कारण। तो 15 दिनों में घाटियों, वादियों पहुंची तो थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि बर्फ से ढके कटाव में हिमशिखर देखने पर युमथांग थोड़ा फीका लगा। वही एक चिप बेचती स्त्री से लेखिका ने पूछा, क्या तुम सिक्किम हो? तो सिक्किम की रहने वाली हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसका उत्तर था। भाई कहीं लोग मतलब सर्विस करते, जैसे हमको ही देखो कि पूर्वी एरिया से आपके इधर आ गए हैं, तो हमारी हो सकता है अच्छे से जॉब लग जाए और अच्छे से हम रह जाए तो कई पीढ़ी हम निकाल देते हैं। आपके हापुड़ में भी कई लोग हैं हमसे मिले हुए हैं जो हमारी एरिया के हैं। तो इस तरह से वह भी जा करके वहां पे रह गई और वहां पे वह उसका बिजनेस हो गया था, चिप्स कुरकुरे, जो इस तरह से अपना बिजनेस कुछ कर रही थी। वही एक चिप्स बेचती स्त्री से लेखिका ने पूछा कि क्या तुम सिक्किम हो? उन्होंने कहा, नहीं, मैं इंडियन हूँ। लेखिका को यह सुनकर अच्छा लगा कि सिक्किम के लोग भारत में मिलकर खुश है। मतलब यहाँ के लोग भी हैं, वहां के लोग भी हैं, मिलजुल करके सभी है। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना फला फूला नहीं था। लौटती यात्रा में भी जितेन अनेक प्रकार की जानकारियां देता रहा लेखिका को। उसने बताया कि यहाँ गुरु नानक देव के फुटप्रिंट का पत्थर, वहां पे युमथांग में गुरु नानक देव के पैरों के निशान है। लोग कहते हैं कि गुरु नानक जी यहाँ पे आए हुए थे। तो जैसे यहाँ पे कन्याकुमारी जो स्थान का नाम आपने सुना है, जो धरती का दक्षिण भारत का मतलब लास्ट छोर है हमारा, तो वहां पे भी देवी का पैर वहां पे है। लोग कहते हैं कि यहाँ कन्याकुमारी, इसीलिए वहां का उसका नाम पड़ा था। उसी प्रकार से यहाँ पे गुरु नानक देव के फुटप्रिंट का पत्थर है। कहते हैं यहाँ उनकी थाली से थोड़े चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहां चावल की खेती होती है, मान्यता है कि करीब 3-4 किलोमीटर बाद उसमें खेदुम दिखाया और बताया कि यहाँ देवी देवताओं का निवास है। खेदुम एक स्थान है, वहां पे उन्होंने दिखाया कि यहाँ पे देवी देवताओं का स्थान है। और गुरु नानक देव के फुटप्रिंट के विषय में भी उन्होंने बताया कि वहाँ चावल की खेती होती। कहते हैं कि गुरु नानक देव की थाली से कुछ चावल यहाँ पे गिर गए थे, यहाँ पे चावल अधिक मात्रा में होता है और इस स्थान पर गंदगी फैलाने वाला मर जाएगा। ऐसी भी मानता है कि जो आए हैं कोई कूड़ा करकट लेकर आए हैं और उसे डस्टबिन की तरह चाहे जहां यूज कर दिए फेंक दिए, तो गंदगी करने वालों की मृत्यु हो जाती है, गंदगी फैलाने वाला मर जाता जाएगा। उसने बताया कि वे लोग पहाड़, नदी, झरने की पूजा करते हैं, इन्हें गंदा करने वाले मर जाएंगे। लेखिका ने कहा, तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है। जितेन ने सुधारा, इसका असली नाम गंगटॉक है। जो गंगटॉक है, लेखिका कह रही है, तो उसका सही शुद्ध नाम क्या है? गंगटॉक। तो गंगटॉक का अर्थ है पहाड़। गंगटॉक गिरी मत पहाड़ होता है, तो गंगटॉक से बना है पहाड़। उसने फिर बताया कि युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, यह तो सिक्किम
के भारत में विलय के बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। उसने अभी भी बनाए जा रहे रास्तों की तरफ संकेत किया कि अभी भी वहां पे काम चल ही रहा है। लेखकर ने मन ही मन कहा, हाँ रास्ते अभी भी बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य को इस असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। यात्रा पर जीप आगे बढ़ने लगी। इस प्रकार से हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है कि लेखिका जो है वहां के यात्रा वर्णन यहाँ पे किया है कि इस तरह से वहां अब युमथांग आ गए, युमथांग से वह गैंगटोक बताए, तो गैंगटोक लेखिका बोल रही थी तो लेकिन गाइड ने बताया कि इसका सही नाम क्या है, गंतोक है। तो वह गंतव्य स्थान बना दिया गया है, टूरिस्ट स्थान बना दिया गया है। और एक किसका दिमाग था, किसने दिया था, कप्तान शेखर दत्ता है ना। वहां टूरिस्ट का प्लान कहीं भी जैसे है तो जो अच्छा एरिया बन जाता है, तो कहीं देवी देवताओं के विषय में या कुछ साहित्यिक चीजें हैं, कुछ प्रकृति का है, तो इस तरह से देखने के लिए लोग बना देते हैं। जैसे लखनऊ का ही नाम पड़ा है, नवाबी नवाबों का शहर, लखनवी अंदाज आप लोग पढ़े हो जैसे, तो उस तरह से उसकी खोज किसने किया था, वहां पे टूरिस्ट का प्लान किसने बनाया था, किसने बनाया था, भारतीय आर्मी के कप्तान कैप्टन शेखर दत्ता। हाँ, इसको अंडरलाइन कर लेंगे इस वर्ड को कि कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकाल कर इसे टूरिस्ट स्पॉट बना दिया जाए। इस तरह से हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है और हमारा समय भी अब होने ही वाला है। तो आपको एक्टिविटी के विषय में बता दें, एक्टिविटी के 8 मैंने मैसेज डाला है, एक्टिविटी का तो दिया ही था आपको, एक्टिविटी जो करना है आपको पहुंच गई थी ना। यस मैम। हाँ, लेकिन मैंने डेट दे दिया है शायद 3 तारीख। यस मैम, 3 तारीख में है और आप 5 बजे तक है, मतलब पूरे दिन का टाइम है, पूरे दिन में 5 बजे तक हम